गाइस आज फाइनली हमने अपने इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट को मेगा स्टार में अपग्रेड कर लिया। आप ऊपर यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है मेगा स्टार और मेगा स्टार का लोगो बना हुआ है। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं किस प्रकार से हमें अपने इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट को स्टार से मेगा स्टार में अपग्रेड करना होता है और मेगा स्टार में अपग्रेड करने के क्या क्या फायदे हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये इंडसइंड बैंक का एक जीरो बैलेंस अकाउंट है जो कि अलग से ओपन होता है एक एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आपके पास इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप आज ही अपना इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोटक महिंद्रा बैंक के 811 अकाउंट जैसी सारी सर्विस बिल्कुल फ्री मिल जाती है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, यूपीआई से लिंक करना या फिर कैशबैक वगैरह, काफी जबरदस्त बेनिफिट मिलते रहते हैं। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद देखिए आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टार वेरियंट में ओपन रहेगा। अब आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार ये क्या है, तो ये अकाउंट के लेवल है। जैसे आप अपने अकाउंट को ओपन करोगे तो आपका अकाउंट इस स्टार वाले वेरिएंट में रहेगा। स्टार वाले वेरिएंट में कुछ बेनिफिट यहां पर दिए जाते हैं, थोड़े बहुत आप देख लेना। इसके बाद आप चाहो तो अपने अकाउंट को फिर सुपर स्टार या फिर मेगा स्टार तक अपग्रेड कर सकते हो। हमने अपने अकाउंट को मेगा स्टार तक अपग्रेड कर लिया है। कैसे किया वो तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम चल जाएगा। पहले हम मेगा स्टार के कुछ बेनिफिट को देख लेते हैं कि अगर हम अपने अकाउंट को मेगा स्टार में अपग्रेड करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट यहाँ आपको मिलता है फ्री फिजिकल वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड का। यानी इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तो बिल्कुल फ्री मिलता है। आप यूपीआई से लिंक करने के लिए उस डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए उस डेबिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट का फिजिकल डेबिट कार्ड घर पर मंगाते हैं तो आपको स्टार वेरियंट में और सुपर स्टार में डेबिट कार्ड का कुछ चार्ज देना होता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को मेगा स्टार में अपग्रेड कर लेते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। बिल्कुल फ्री में वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसके लिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, एक बार आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद इस प्रकार का जो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को देख सकते हैं, ऊपर स्विप का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है इसके लिए आपको कार्ड परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद बगल साइड में यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर फिजिकल कार्ड का ऑप्शन रहेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप अपने फिजिकल कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं और ये कार्ड बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है। देखिए कोई भी हमारे लिए यहाँ पर इस पर चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, बिल्कुल जीरो रुपए में ये कार्ड हमारे लिए मिल जाएगा और ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से। और आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एड्रेस वगैरह डाल के इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट स्टार में या फिर सुपर स्टार में रहेगा तो यहीं पर आपको 299 या फिर 499 का फीस दिखाएगा। पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि अगर आप अपने अकाउंट को मेगा स्टार में अपग्रेड करते हो तो आपको इसका वीजा सिग्नेचर जो डेबिट कार्ड है ब्लैक कलर का वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट बताया गया यहाँ पर कि टॉप 3 ब्रांड पर आपको 3% का इंडी जेम मिलेगा। अभी इंडी जेम से आप कंफ्यूज मत होना, इंडी जेम इनका एक तरह से कैशबैक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैशबैक नहीं मिलेगा, ये कैशबैक आपको जो मिलेगा यहाँ पर इंडी जेम वगैरह के नाम से मिलेगा और ये यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो आप इसको सीधा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हो। ये कि यहाँ पर जो भी आपको इंडी जेम मिलेंगे यहाँ पर रिडीम का ऑप्शन रहेगा, सो आप सीधा यहाँ पर रिडीम कर सकते हो और एक इंडी जेम बराबर होगा 1 रुपए। यानी कि सीधा हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको 1% का इंडी जेम, 2% का इंडी जेम बोला जा रहा है तो आप समझिएगा कि वहाँ पर आपको 1% 2% का सीधा कैशबैक ही देखने को मिलेगा। और ये इंडी जेम यहाँ पर रिडीम करेंगे तो ये पैसा आपके सीधे इसी वाले इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब टॉप 3 ब्रांड यहाँ पर देखो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आना, रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक्सप्लोर रिवार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कुछ ब्रांड दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन, मंत्रा, जियो मार्ट, बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिल जाएंगे जो कि काफी फेवरेट ब्रांड है हर किसी के। सो आप यहाँ पर इनमें से टॉप अपने 3 ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पर जो शॉपिंग करना है तो आप सिलेक्ट कर लेना उनको। इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा आपको ब्रांड अपने, इसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है फ्लिपकार्ट, अमेजन और ब्लिंकिट। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखा देगा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब यहाँ से हमने अपने टॉप 3 ब्रांड सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम जो भी अपने ब्रांड सेलेक्ट किए हैं उस पर कुछ भी खर्चा करते हैं अपने इंडी डेबिट कार्ड से, तो हमारे लिए अपने इंडी वाले अकाउंट में 3% का इंडी जेम दिया जाएगा। इसके अलावा फ्यूल स्पेंड पर भी आपको 3% का इंडी जेम मिलेगा, तो काफ़ी बढ़िया बात है। आजकल आपने देखा होगा फ्यूल स्पेंड पर बहुत सारी बैंक
हमसे एक्स्ट्रा कुछ फ्यूल सरचार्ज के नाम पर चार्ज ही लेती हैं, कुछ कैशबैक वगैरह देती नहीं है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड पर 3% का कैशबैक मिल रहा है, तो ये बहुत गजब की बात है भाई। यहाँ पर आपको ये बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 0.5% का जेम मिलेगा ऑल डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे, यानी कि जो यहाँ पर ब्रांड आपको शो हो रहे थे अभी कुछ समय पहले, तो उन सारे ब्रांड पर अगर आपने इस डेबिट कार्ड से कुछ भी खर्चा करते हो जो इनके सेलेक्टेड ब्रांड है, यहाँ पर आपको 0.50% का इंडी जेम दिया जाएगा। तो अक्सर हमारे लिए डेबिट कार्ड पर ऐसे कुछ बेनिफिट देखने को मिलते ही नहीं आजकल, जो कि भाई साहब इंडी ने काफी कमाल कर दिया ये सारे बेनिफिट देकर के। इसके अलावा यहाँ पर आपको बुक माई शो पर Y1 गेट मूवी टिकट का बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप अपने इस डेबिट कार्ड से एक मूवी टिकट बुक करो और एक बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 0 forex markup मिलेगा इंटरनेशनल स्पेंड पर, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है। ऐसे बेनिफिट हमें आजकल क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलते हैं 0 forex markup के। इसके अलावा फ्री ATM कैश विड्रॉल ऑल बैंक ATM, यानी आप अपने इस इंडी वाले डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के ATM पर अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करो, कैश विड्रॉल करो, कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई है। आजकल बैंक आपको बोलती है भैया कि मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे और नॉन मेट्रो में 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे। अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो आपको ₹21 per transaction का चार्ज देना होगा, लेकिन इंडी आपको अनलिमिटेड कैश विड्रॉल की फैसिलिटी देता है। तो ये सारे बेनिफिट यहाँ पर दिए गए हैं, बेनिफिट काफी कमाल के हैं। ऐसे बेनिफिट एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक बैंक के डेबिट कार्ड पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये बेनिफिट आपके मेगा स्टार अकाउंट के, अगर आपका अकाउंट सुपर स्टार या फिर स्टार वाले वेरिएंट में, तो उसके बेनिफिट कुछ अलग रहेंगे, उसके बेनिफिट कुछ कम रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई किसी को अगर अपना अकाउंट अपग्रेड करना है, मान लो किसी ने अकाउंट ओपन किया और उसका अकाउंट स्टार में और वो चाहता है कि मेगा स्टार में कर लूं मैं, ये सारे बेनिफिट लेना है, तो इसके लिए बैंक आपको देखो 2 ऑप्शन देता है। नंबर 1 ऑप्शन तो ये कि आप अपने अकाउंट को इंडी जेम अर्न करो और सुपर स्टार में या फिर मेगा स्टार में अपग्रेड कर लो। तो अगर आपके पास 750 इंडी जेम हो जाते हैं तो आपका अकाउंट सुपर स्टार में अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपके पास 1500 इंडी जेम हो जाते हैं तो आपका अकाउंट मेगा स्टार में अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मान लो किसी के पास इंडी जेम वगैरह नहीं है या फिर अर्न नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्ट भी एक ऑप्शन बैंक ने देखे रखा है आपको। सेकेंड ऑप्शन में आपको अपने अकाउंट में इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, अब आपका अकाउंट ऑटोमेटिक तो स्टार वाले वेरिएंट में रहेगा, लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर लेते हो तो आपका अकाउंट सुपर स्टार में अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर अपने अकाउंट में 50,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग कर लेते हो तो आपका अकाउंट फिर मेगा स्टार में अपग्रेड हो जाएगा। हमने भी अपने अकाउंट में इनिशियल फंडिंग की थी 50,000 रुपए की, हमारा अकाउंट स्टार से सीधा मेगा स्टार में अपग्रेड हो गया। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे लिए अगर इनिशियल फंडिंग करना है तो कितने टाइम तक अपने अकाउंट में पैसे को रखना होगा तब हमारा अकाउंट अपग्रेड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने अपने अकाउंट में 50,000 रुपए को डाला था 5 तारीख को, और 5 तारीख को ही हमने 10,000 रुपए निकाल लिया था, और फिर 6 तारीख को हमने 40,000 रुपए निकाल लिया। यानी कि ऐसा मुझे लगता है कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए डाल के रखना होगा। यहाँ पर जैसे आपने एक बार पैसा डाला तो आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको 24 घंटे तक डाल के रखना चाहिए, और जैसे ही आपका अकाउंट आपको मेगा स्टार दिखने लगता है सो आप यहाँ पर फिर अपना पैसा निकाल सकते हैं। जब आपको यहाँ पर मेगा स्टार लिखा हुआ आ जाए ऊपर, सो आप उस समय पैसे को निकाल सकते हैं, और ये लगभग 24 घंटे के अंदर आ ही जाता है। इस प्रकार से आप अपने इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट को मेगा स्टार में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने अपना अभी तक इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आज ही ओपन करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।